अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, रोचक एक कविता, टू डेड बॉयज़, दो मरे हुए लड़के। ये कविता फुल ऑफ ऑक्सीमोरॉन एंड पैराडॉक्सिस है, यानी इसके अंदर ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्सिस जो है वो भरे पड़े हैं। ऑक्सीमोरॉन क्या होते हैं? टू अपोजिट वर्ड्स, दो ऐसे शब्द जो एक साथ आए हुए होते हैं लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट फूल, बुद्धिमान मूर्ख, या डेफनिंग साइलेंस यानी बहरा कर देने वाला सन्नाटा, और पैराडोक्सिस यानी कि विरोधाभास यानी सेल्फ कॉन्ट्रास्टिव आइडियाज़, जिसके अंदर दो ऐसी बातें आती हैं जो आपस में ही विरोधी होती हैं, यानी जो बात आपने अभी अभी बोली थी उसके तुरंत बाद उसके बिल्कुल ठीक उलट बात बोल देना, वो पैराडोक्स होता है यानी विरोधाभास होता है। तो इस कविता में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कविता के अंदर। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, स्किनी एंड स्टाउट। स्किनी क्या होता है? मरियल या दुबला पतला। एंड स्टाउट, हट्टा कट्टा, तगड़ा, पहलवान। तो सभी प्रकार के लोगों, चाहे वो मरियल हों, दुबले पतले हों, चाहे वो स्टाउट हों, तगड़े हों। आई विल टेल यू अ टेल, आई विल टेल यू अ टेल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। आई नो नथिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, यानी मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तो एक विरोधाभास वाली बात है। द एडमिशन इज़ फ्री, एडमिशन यहाँ पर प्रवेश करना, दाखिला लेना फ्री है एकदम। सो पे एट द डोर, इसलिए दरवाजे पर आते समय जो है पैसे चुका देना। पे यानी पैसा देना या पैसा चुकाना, तो इसलिए दरवाजे पर जो है पैसा चुका देना क्योंकि एडमिशन एकदम फ्री है। नाउ पुल अप अ चेयर, अब एक कुर्सी खींचो। एंड सिट ऑन द फ्लोर, कुर्सी खींच करके क्या करो, फर्श के ऊपर बैठ जाओ। फ्लोर होता है फर्श। राइम भी बहुत ही बढ़िया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्किनी एंड स्टाउट, आई विल टेल यू अ टेल आई नो नथिंग अबाउट। द एडमिशन इज फ्री, सो पे एट द डोर, नाउ पुल अप अ चेयर एंड सिट ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट, वन ब्राइट डे इन द मिडल ऑफ द नाइट, टू डेड बॉयज गॉट अप टू फाइट। बैक टू बैक दे फेस्ड ईच अदर, ड्रू देयर स्वॉर्ड्स एंड शॉट ईच अदर। वन ब्राइट डे, एक चमकीली दोपहर के समय या दिन के समय, इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के मध्य में यानी आधी रात्रि को। तो दिन के समय कौन सी रात होती है? टू डेड बॉयज़, दो मरे हुए लड़के, गोट अप, मरे हुए दोनों लड़के खड़े हो गए, वाह। टू फाइट, लड़ने के लिए, मरे हुए दो लड़के खड़े हो गए लड़ने के लिए। बैक टू बैक, पीठ से पीठ लगाकर। बैक टू बैक के दो मतलब हो सकते हैं, एक के बाद एक यानी वन आफ्टर अनदर, या पीठ से पीठ लगा करके। दे फेस्ड ईच अदर, अब पीठ से पीठ लगा करके दोनों एक दूसरे को कैसे फेस कर सकते हैं, यानी फेस कर रहे हैं यानी आमने सामने होना, दोनों ने एक दूसरे का सामना किया, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन कैसे आ गए? बैक टू बैक, पीठ से पीठ लगा करके के सामने आ गए। बहुत बढ़िया। ड्रू देयर स्वॉर्ड्स, उन्होंने अपनी तलवारें खींची यानी बाहर निकाली। एंड शॉट ईच अदर, और एक दूसरे को घायल कर दिया। शॉट कर दिया, घायल कर दिया। वैसे शॉट का ज़्यादातर प्रयोग बंदूक के केस में किया जाता है, लेकिन यहाँ भी किया जा सकता है घायल करने के अर्थ में, मारना या घायल करना। अ ब्लाइंड मैन केम टू वॉच फेयर प्ले, ए म्यूट मैन केम टू शाउट हुर्रे, ए डेफ पुलिसमैन हर्ड द नॉइस एंड केम टू स्टॉप दोज टू डेड बॉयज। ए ब्लाइंड मैन, एक अंधा व्यक्ति, केम आया, टू वॉच देखने के लिए आया, अंधा व्यक्ति देखने के लिए आया। बहुत बढ़िया। फेयर प्ले, फेयर प्ले का मतलब क्या है? न्यायपूर्ण व्यवहार या ईमानदारी से खेला जाने वाला खेल, जिसमें कोई चीटिंग, कोई गड़बड़ ना हो। तो वो दोनों जो है, एक तो लड़ाई कर रहे थे, उसको फेयर प्ले बोला है पोइट ने। उसको देखने के लिए ब्लाइंड मैन आता है। ए म्यूट मैन यानी ए गूंगा आदमी, केम, ए गूंगा व्यक्ति आया टू शाउट, और वो चिल्लाने के लिए आया। बहुत बढ़िया। क्या चिल्लाने के लिए? हुर्रे, हुर्रे चिल्लाने के लिए, उसको मज़ा आ रहा है। ए डेफ पुलिसमैन, डेफ यानी बहरा, एक बहरा पुलिसमैन आया किस बात के लिए? हर्ड, सुनने के लिए आया। कमाल है। किस बात को? द नॉइस, जो शोर शराबा हो रहा था उसको सुनने के लिए आया। एंड केम टू स्टॉप दोज टू डेड बॉयज, और उन दो मरे हुए लड़कों को रोकने के लिए आया। पुलिसमैन था तो उनकी लड़ाई बंद करवाने के लिए आया और उनके शोर को सुनने के लिए आया। ही लिव्ड ऑन द कॉर्नर इन द मिडल ऑफ द ब्लॉक इन ए टू स्टोरी हाउस ऑन ए वेकेंट लॉट।
A man with no legs came walking by and kicked the lawman in his thigh. He lived, यानी वो जो पुलिसमैन था वो रहता था कहाँ? On the corner, कोने में या नुक्कड़ पे. In the middle of the block, block क्या होता है? भवन समूह, यानी बिल्डिंग्स का जो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जो होता है उसको हम ब्लॉक कहते हैं. उसके बीच में, मध्य में जो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स था उसके मिडल में, उसके बीच में जो कोना था, बीच में कौन सा कोना होता है? इन ए टू स्टोरी हाउस, इन ए टू स्टोरी हाउस, दो मंजिला एक घर में. स्टोरी के अंदर जो है ये ई होना चाहिए यहाँ पर. इन ए टू स्टोरी हाउस, दो मंजिला घर में. ऑन ए वेकेंट लॉट, ऑन ए वेकेंट लॉट यानी खाली जमीन पर, लॉट यानी एरिया, एरिया या क्षेत्र या जमीन, वेकेंट यानी खाली. तो खाली भूमि पर या खाली जमीन पर या खाली क्षेत्र पर, खाली एरिया पर बने टू स्टोरी हाउस में, दो मंजिला घर था जो कि खाली पड़ी भूमि पर बना हुआ था, यानी भूमि खाली भी थी और उसके ऊपर जो है दो मंजिला घर भी बना हुआ था लेकिन फिर भी भूमि खाली थी. ए मैन विद नो लेग्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी टांगे नहीं थी, केम आया वॉकिंग बाय, चलते हुए आया, और उसकी टांगे भी नहीं थी फिर भी वो चलते हुए आया, बहुत ही अच्छे. एंड किक द लो मैन, और उसने जो कि बिना टांगों वाला व्यक्ति था, उसने लो मैन को यानी पुलिसमैन को जो कानून का रक्षक है, लो मैन कानून का रखवाला, इन हिज थाई, उसने उसको लात मारी कहाँ? जिसकी टांगे ही नहीं थी उस व्यक्ति ने, उस पुलिसमैन को लात मारी उसकी जांग पर, उसकी थाई पर. बहुत बढ़िया. ही क्रैश थ्रू अ वॉल विदाउट मेकिंग अ साउंड, और वो जो पुलिसमैन था वो धड़ाम से गिर पड़ा दीवार को तोड़ते हुए, और धड़ाम की आवाज़ करते हुए दीवार तोड़ते हुए वो गिर पड़ा, बट विदाउट मेकिंग अ साउंड. धड़ाम से तो गिर पड़ा, उसने दीवार को भी तोड़ दिया, दीवार पर से गिर पड़ा, दीवार गिर पड़ी उसके गिरने से, जब उसने उसकी जांग पर जो है लात मारी तो क्या हुआ, वो गिर पड़ा दीवार को तोड़ते हुए, बट विदाउट मेकिंग अ साउंड, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, तो दीवार गिरे और आवाज़ भी ना आए. बहुत अच्छे. इंटू, और कहाँ गिरा? इंटू अ ड्राई क्रीक बेड, एक सूखी हुई क्रीक यानी कोई जलधारा, कोई छोटी नदी का कोई जलधारा, ए स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर. और वो कैसी थी? सूखी हुई जलधारा जो थी वो सूखी हुई थी, उसमें गिर पड़ा, और उसमें भी कहाँ? इन ए ड्राई क्रिक बेड, बेड यानी तलहटी में गिर पड़ा. एंड सडनली ड्राउंड, और उसमें डूब गया, जबकि वो सूखी पड़ी थी, उसमें कोई पानी भी नहीं था, फिर भी वो उसमें डूब गया, ड्राउन हो गया. द लॉन्ग ब्लैक हर्स केम, एक लंबी काली हर्स यानी मुर्दा गाड़ी या शव वाहन जिसमें लाश को लेकर के जाते हैं, केम आई टू कार्ट हिम अवे, कार्ट यानी ले जाना, हिम उसे, अवे दूर, और उसे दूर ले जाने के लिए एक मुर्दा गाड़ी या शव वाहन आया, लंबा सा और काले रंग का. बट ही रैन, लेकिन वो तो भाग गया, लेकिन वो तो जो डूब गया था ना वो भाग गया, फॉर हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसको लेके जा रहे थे. एंड ही स्टिल गॉन टूडे, और आज भी वो भागा हुआ ही है, स्टिल यानी अभी भी, गॉन गया हुआ है आज भी, टूडे आज भी, आज. I watched from the corner of the big round table. The only eye witness to facts of my fable. But if you doubt my lies are true, just ask the blind man his sight too. I watched from the corner. मैंने नुक्कड़ से या कोने से देखा. Of the big round table, बड़े सारे गोल मेज के कोने से देखा. गोल मेज का कौन सा कोना होता है? द ओनली आई विटनेस, केवल एकमात्र चश्मदीद गवाह. टू फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या होते हैं? तथ्य. ऑफ माई फेबल, फेबल होती है नीति कथा, जिसके अंदर कोई मॉरल स्टोरी बताई गई हो या फिर कोई इमेजिनरी स्टोरी हो, कोई कल्पित कथा हो, उसको भी फेबल कहा जाता है. तो मेरी जो फेबल है, मेरी जो ये काल्पनिक कहानी है, इसके जो भी तथ्य हैं, काल्पनिक कहानी में कौन से तथ्य होंगे, उसका एकमात्र जो चश्मदीद गवाह था. I watched from the corner of the big round table, the only eyewitness to facts of my fable. मैंने उस चश्मदीद गवाह को देखा from the corner of the big round table. But if you doubt, लेकिन यदि तुमको फिर भी शक है इस बात के ऊपर जो मैं कह रहा हूँ, किस बात के ऊपर, कि my lies are true, कि मेरे झूठ सच हैं या नहीं, इस बात के ऊपर तुम्हें शक है, doubt है, just ask the blind man. तो उस अंधे आदमी से पूछ लो जो एकमात्र चश्मदीद गवाह था.
इनफैक्ट्स का ही साइट टू, उसने भी तो इसे देखा था जो वो चश्मदीद गवाह था, उसने ये सारा खेल जो है देखा था कि उस बिना टांग वाले आदमी ने उस पुलिसमैन को मारा उसकी जांग के ऊपर, बिना आवाज़ की वो दीवार गिरी और उसके बाद ये सारा का सारा घटनाक्रम चला। तो इस तरह से इस कहानी में हम देखते हैं कि जगह जगह पर जो है विरोधाभास आए हुए हैं, जो बात कवि ने अभी अभी बोली है तुरंत उसके बाद उसके बिल्कुल उलट बात बोल दी जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारे पैराडॉक्सेस आए हुए हैं।